वही पवई में आगामी त्योहारों को लेकर एसडीएम ऋतु अग्रवाल और एसडीओपी सौरभ रत्नाकर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें होली, ईद, चैत्र, रामनवमी को लेकर चर्चा की गई। साथ में आदर्श आचार संहिता में त्योहारों को कैसे मनाए उसके लिए शासन के दिशा निर्देश भी दिए गए। वही आपको बता दें, इस बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष बसंत दहायत, कले ही मंदिर पुजारी हरिकेश बढ़ोलिया, तहसीलदार प्रीति पंथी सहित शांति समिति के सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पवई से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। आज हमने थाना पवई में एसडीओपी साहब के साथ सभी गणमान्य नागरिकों और सभी के साथ शांति समिति की बैठक करी है। इसमें जितने भी पर्व आने वाले हैं, अभी होली, नवरात्रि, रमजान और ईद, इन सबको लेकर के सभी से चर्चाएँ करी हैं एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और आचार संहिता को का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए और जो भी सुविधाएँ हमें प्रशासन की तरफ से दी जाती वो करने के निर्देश। मैडम की अध्यक्षता में थाना परिसर पवई में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्यौहार जो हमारे होली, रमजान, गुड फ्राइडे इत्यादि किस प्रकार पवई नगर क्षेत्र में मनाई जाती है, इस संबंध में लोगों से चर्चा की। इसके साथ ही लोगों से त्यौहार में क्या क्या उनके सुझाव हैं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर, वो हमने सुझाव ग्रहित किए और उसके अनुसार पुलिस व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था लगाने के संबंध में सभी लोगों से चर्चा हुई। इसके साथ ही सभी लोगों से अपील की है कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का सभी पालन करेंगे और जो है शांतिपूर्वक जो है त्यौहारों को मनाएंगे।